सर्दी आते ही हम पालक के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन जब पालक के पकौड़े बनाते हैं एक छोटी सी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से पालक का जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता है। तो वो क्या गलती हम करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं पालक के पकौड़े। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। तो यहाँ पर लिया मैंने आधा किलो पालक, इसको छांट के लगभग 400 ग्राम लगभग हो गया है। पालक के पत्ते छोटे छोटे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डंठल अगर बहुत ज़्यादा मोटी है और जिसमें धागे से निकलते हैं ना, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और थोड़ी पतली सी है तो चल जाएगा, अच्छी तरह वॉश कर लीजिए 2 से 3 पानी। उसके बाद में अगर ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो काटने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़े से मीडियम साइज़ के हैं तो काटने का तरीका आपको बता देता हूँ कैसे काटना है इसको। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं पालक के पकौड़े बनाने में वो यही करते हैं, पालक को काट देते हैं बारीक। पालक को बारीक काटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, रफ़ कट करना है। ऐसे देखो, इस तरह से, बस इससे ज़्यादा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस से इसको स्ट्रेनर में डाल देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें तो निकल जाएगा। पालक के पकोड़े बनाने के साथ साथ उसमें कुछ खास चीज़ें डालेंगे, जैसे 2 प्याज आप डाल दीजिए, 1 बेस मिलेगा। हरी मिर्च है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसलिए बड़ी बड़ी मैंने डाल दी है। 1 आलू डाल देना, ज़्यादा मत डालना, 1 आलू डालना वरना फिर आलू के पकौड़े हो जाएंगे। और साथ में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज को हम स्लाइस काट लेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा काटने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम साइज़ की। मिर्ची को हम चॉप कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा बड़ी मुँह में आती है, अच्छी नहीं लगती है, हल्की हल्की सी मुँह में आएगी अच्छी लगेगी। आलू की भी पतली पतली स्लाइस निकाल लेंगे हम यहाँ पे। आलू को पानी में डाल दीजिए वरना काले पड़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ धनिया की डंठले मैंने इस्तेमाल की है, आप चाहें तो पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको बारीक चॉप करके डालेंगे हम। पकौड़े के लिए एक स्पेशल मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, जीरे की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, और 1/2 छोटा चम्मच पतली वाली सौंफ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस मसालों को हल्का सा भून लेते हैं हम। मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा भूनना होता है जिससे कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। डायरेक्ट डालेंगे ना खुशबू नहीं आती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन काम तो बढ़िया हो जाता है ना। अब इस भुने हुए मसाले को हम हल्का सा क्रश करेंगे, पाउडर जैसा बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जो लहसुन है इसके साथ ही डाल देते हैं, ये भी क्रश हो जाएगा। पकोड़े के लिए बढ़िया सा एक मसाला तैयार हो चुका है, अब तैयारी कर लेते हैं पकोड़े की। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम 2 कप बेसन, सबसे पहले बेसन का काम करेंगे हम, ये रहा 2 कप। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कप बेसन जाता है, आप इसमें 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर बेसन का ही फ्लेवर आएगा ना, पकोड़े बेसन जैसे ही बनेंगे, पालक का तो फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो कम से कम बेसन का इस्तेमाल करना है जिससे कि बाइंडिंग आ जाए। पकोड़े के अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हल्दी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, ये कालापन लेके आती है। ये हम डाल रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, सिर्फ कलर उठाने के लिए, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन थोड़ी सी डाल देंगे तो चलेगा। और यहाँ पे मैं कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पाउडर डाल सकते हैं लेकिन इससे क्या कलर डार्क नहीं होएगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे यहाँ पे, पालक में भी नमक होता है इस बात का ध्यान रखना। 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसन के साथ में अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हाथों से हल्का सा क्रश कर लें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है क्योंकि इसका छिलका उतर जाता है। और ये है मीठा सोडा, आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 1/4 छोटी चम्मच से भी कम है, ज़्यादा नहीं डालना फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, हल्का सा डालते हैं बेसन के अंदर। पकोड़े के लिए जो स्पेशल मसाला तैयार किया था हमने क्रश करके, वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब सभी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, और इसमें डालेंगे पानी। हम यहाँ पे पालक नहीं डाल रहे हैं पहले, आमतौर पे यही गलती करते हैं कि पालक डाल देते हैं, फिर पालक को इतना मैश करते हैं बेचारा पालक हो जाता है बिल्कुल प्यूरी जैसा, फिर पालक के पकौड़े नहीं पालक की प्यूरी के पकौड़े बन जाते हैं। हमको जो पानी डालना है यहाँ पे डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक भी अपना हल्का सा पानी छोड़ता है ना, फिर गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गाढ़ा बैटर तैयार कर दिया है, पतला नहीं होना चाहिए। बेसन को 5 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि फूल जाता है। बेसन के बैटर को यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो यहाँ पे आलू डाल देता हूँ, पानी मैंने सारा निकाल दिया है इसका। ये रहा प्याज, इसको हाथों से हल्का सा क्रश कर लीजिए जिससे इसके लच्छे खुल जाएँ, इस तरह से। प्याज को मसलना नहीं है ऐसे ऐसे करके वरना पानी निकल जाएगा, सिर्फ इसको खोलने की कोशिश करनी है, बस हल्का खुलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हरी मिर्च है, धनिया है, धनिया की डंठल सब डाल दीजिए एक साथ। अब गया पालक, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं पालक के साथ में, इसको मैश कर देते हैं। पालक के पकोड़े में पत्ता मैश नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से मिलना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए इसको मैश करने की, अपने आप जितना मैश हो रहा है वो हो जाएगा अपने आप, बस बेसन के साथ मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए बस। हम क्या करते हैं पालक को ही मैश करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बेसन को मैंने पालक के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, पालक को मैश करने की कोशिश नहीं करी है, बस बेसन के साथ मिक्स किया है, उसके साथ में थोड़ा बहुत मैश हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये गया 1 बड़ा चम्मच गरम तेल। गरम तेल डालने से क्या होता है, पालक के पकौड़े कुरकुरे बनेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लो इसको भी, पकौड़े का मिक्सचर बना दिया है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है,
बनाया और तुरंत इसको फ्राई करना है, छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पकौड़ों को हम यूनिरैप में निकाल देंगे जिससे कि पकौड़े गीले नहीं होंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, अब डाल देते हैं पकौड़े इसके अंदर। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और पकौड़े बहुत बड़े बड़े ना बनाएं, मीडियम साइज़ के या छोटे छोटे बनाएं जिससे सड़न से पकौड़े अच्छी तरह से पक जाएं। हीट को मैंने मीडियम कर दिया है। जब भी पकौड़े फ्राई करते हैं इसको ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए, ऐसे हवा में आता है ना पकौड़ा तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई होता है। हवा में आया फिर वापस तेल में गया, पकौड़े बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। फ्राई होने की निशानी क्या है, एक तो अच्छा सा कलर आ जाता है इस पर, दूसरा ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको ये कम हो जाते हैं और जो आवाज़ आती है ना बबल्स की वो भी बहुत कम हो जाती है। तो बस निकाल दीजिए, गैस की फ्लेम को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से झाड़ लीजिए उसको। और ये गए गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े। यहाँ पे हमने 300 से 400 ग्राम पालक का इस्तेमाल किया था, क्वांटिटी कम थी इसलिए दिक्कत नहीं आई। कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पालक धीरे धीरे करके पानी छोड़ने लग जाता है। उस स्थिति में क्या करना है, आपको पालक धीरे धीरे करके मिलाना है। बाद में जैसे पालक कम पड़ गया फिर पालक और मिला दिया, फिर जैसे आपको लगता है कि बैटर गीला हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा बेसन भी मिला सकते हैं आप। ये जो बाउल है इसको बिल्कुल कढ़ाई के पास में रखेंगे ना और तो और बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा आपका। और कट इस तरह से मारते हैं, बीचों बीच में हाथ मत मारिए, यहाँ से हल्का सा कट मारिए कढ़ाई में इस तरह, ये छोटा सा हाथ में आएगा बैटर आपका और काम भी आसान हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो गए हैं और फ्राई पकोड़ों के ऊपर से हल्का सा चाट मसाला डाल दीजिए, कोई से भी पकोड़े हो जान आ जाती है। हाँ खट्टापन इसके अंदर मत डालो, इस तरह से चाट मसाला डाल देंगे ना ऊपर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो भाई पालक को जब हमने मैश नहीं किया तो पकोड़े कैसे बने वो भी तो देखना ज़रूरी है। ये देखो आप पालक के पत्ते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और इसका कुरकुरापन बिल्कुल बाकी है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गीला हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है। पकोड़े देखिए आप, और बेसन भी जितना हमको चाहिए उतना ही था, बहुत ज़्यादा जब बेसन होता है ना वो भी पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस बार पालक के पकोड़े ऐसे बना के देखना, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।